नमस्कार दोस्तों, चलिए सीपीसी के आगे के सेक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हेडिंग है जिसको कि हम लोग आज समझेंगे वो है प्लेस ऑफ सुई केसेस सिविल प्रोसीड्योर कोड के अंदर में जो सूट्स है वो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सूट्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 15 जो है वो बोलता है कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस कोर्ट्स में सूट को हम लोग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें ये बोलता है कि केस कोई भी सिविल कोर्ट में किया जा सकता है बशर्ते वो कम्पिटेंट होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्पिटेंट होना पड़ेगा, और जो भी अगर आप सिविल केस जब भी आप करोगे तो वो केस जो सिविल कोर्ट का जो सबसे इनिशियल जो कोर्ट है, जो शुरुआत का जो कोर्ट है, उस कोर्ट में आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेंस एंड मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन। जो मॉनेटरी लिमिट होती है वो देखते हुए जो कोर्ट सबसे छोटा होगा केस लेने के लिए, जो कि सक्षम है, एलिजिबल है, उसको सिविल कोर्ट में केस आपको दायर करना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्ट सीनियर कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको लो से लेकर के हाई तक जाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। सेक्शन 16 जो है वो बोलता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। अब इसमें ये चीज़ जो है, ये जो सेक्शन है ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है। तो इसमें बोलता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है, जहाँ पर वो मैटर है जिसके ऊपर में ही केस किया जा रहा है, वो मैटर जिस जगह में सिचुएटेड है, उस जगह, वो जगह जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पड़ती है, वो कोर्ट के में केस किया जाएगा। इसमें बेसिकली आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के ही बताया गया है। कुछ एक केस में मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी सब जगह तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। तो क्या क्या है इसके कंडीशंस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई अगर दखल कर लिया है या कोई जब्त कर लिया है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए अगर कोई केस किया जाता है, वापस लेना रेंट और प्रॉफिट के साथ या बिना रेंट या प्रॉफिट के साथ, वॉट एवर द केस माइट बी, ठीक है ना, या तो रेंट और प्रॉफिट के साथ आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर में आप केस कर रहे हैं, या सिर्फ प्रॉपर्टी को लेने के लिए आप केस कर रहे हो, वॉट एवर बी दी सिचुएशन, ठीक है ना। तो वो अगर केस है तो दूसरा हो गया आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर पार्टीशन करना है, पार्टीशन को लेकर अगर कोई केस करना है तो, ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि मॉर्गेज किया गया था, पैसा वगैरह कोई लोन में लेने के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था, अब वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जब्त करना है, तो वो जब्त करने के लिए जो केस हो, या फिर जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए, वापस ले लेने के लिए अगर कोई केस करना हो तो, ठीक है। उसके बाद हो गया जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में उसका अपना अधिकार को सिद्ध करना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो अधिकार को सिद्ध करने को लेकर अगर कोई केस करना हो तो, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने कुछ गलत किया, तो तोड़फोड़ किया, नुकसान पहुंचाया जो भी है, तो वो नुकसान को क्लेम करना या कंपनसेशन लेने का अगर कोई केस हो तो, ठीक है। अच्छा, ये तो सारे हो गए इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको वही है चीज़ क्या है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर कोई जब्त कर लेता है, वो अगर छुड़वाना हो, ठीक है ना, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करता है और उसके ऊपर में अगर रेंट लेना हो, ठीक है। तो ये जो सारे जो केसेस है वो केसेस हम लोग कहाँ कर सकते हैं, वो जो अभी जो ऊपर जो मैं आपको अभी जो कंडीशंस बताया
उस कंडीशंस को लेकर के केस कहाँ किया जा सकता है। तो सेक्शन 16 बोलता है कि ये सब जो भी बताया गया है, ये अगर कंडीशंस होती है तो जो केस है वो उस कोर्ट में किया जाएगा जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ती है। जिस जगह में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस जगह के ज्यूरिसडिक्शन में जो सिविल कोर्ट पड़ता है वो उस सिविल कोर्ट में केस किया जाएगा। कंडीशन यही है कि वो सिविल कोर्ट कम्पिटेंट होना पड़ेगा, उसमें मॉनेटरी कम्पिटेंसी भी होनी पड़ेगी कि भाई वो उस लेवल का केस लेने लायक है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है अगर कंपनसेशन, जैसे कि ऊपर ने बताया कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ गलत हुआ, ठीक है ना, और उस गलत होने के कारण अगर कोई केस किया जाता है कंपनसेशन लेने के लिए कि भाई हमको आप कंपनसेशन दो, आप जो हम मेरे प्रॉपर्टी को के ऊपर प्रॉपर्टी को जो हानि पहुंचाए हो, तो ये इस टाइप का जो सिविल केसेस है ये दोनों जगह हो सकता है। कौन कौन से जगह? जिस जगह में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ये उस जगह भी कर सकते हैं, उस जगह में जो कोर्ट घेरता है उस कोर्ट में भी कर सकते हैं, और दूसरा जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस किया जाएगा वो डिफेंडेंट जिस जगह में रहता है उस जगह भी आप केस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे आपका एक एग्जांपल देकर के समझाया गया है, वो ये है कि आज मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि बैंक में मॉर्गेज रख करके लोन लिया जाता है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए कोई जयपुर के कोई जगह है वहाँ पर वो सिचुएटेड है, ठीक है। अब किसी कारणवश बैंक अगर जो जिसको पैसा दिया गया है वो अगर पैसा नहीं लौटाता है और बैंक उस प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहता है, तो ये कौन से सिविल कोर्ट में ये केस फाइल करेगा? ये उस सिविल कोर्ट में ये केस फाइल करेगा जिस सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि उस सिविल कोर्ट के पास मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन का पावर होना पड़ेगा, जो उस लेवल का वो केस है, जो मॉनेटरी लिमिट का वो केस है, वो लेने का जो पावर है उस सिविल कोर्ट को होना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो हर एक जगह में सिविल कोर्ट में चलती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 16। 17 क्या है? सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब एक कंडीशन डाल देते हैं, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक से ज्यादा कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शनल पावर में गिरता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, एक जगह में सिचुएटेड है, लेकिन उस जगह दो या दो से ज्यादा कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पड़ती है। अब क्या होगा? अब केस कहाँ कर सकते हैं हम लोग? तो ये सेक्शन बोलता है किसी भी कोर्ट में हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट का होना पड़ेगा, ठीक है। 18 जो है सेक्शन, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब हो गया, एक प्रॉपर्टी तो एक जगह पर है लेकिन अब पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि ये कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में गिरेगी, कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी गिरेगी, ये क्लियर नहीं है और कोर्ट को भी क्लियर नहीं है, ठीक है। जो पार्टीज है उनको भी क्लियर नहीं है और जो आपके जो कोर्ट है उनको भी क्लियर नहीं, भाई ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन में ये पड़ेगा कि ये नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, ये जो भी कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करता है कि भाई ठीक है पता तो नहीं चल रहा इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है, चलो मैं ये केस को ले लेता हूँ, तो जो कोर्ट इस केस को लेता है तो वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये पार्टिकुलर जो केस मेरे पास आया है इसका ज्यूरिसडिक्शन पता नहीं है किसके पास होना चाहिए, ये किसी को पता नहीं चला है, और इसीलिए क्योंकि ये किसी को पता नहीं चला है
और केस का समाधान होना जरूरी है तो ये केस को मैं अपने कोर्ट में चला रहा हूँ, और जो मॉनेटरी लिमिट है इस केस की वो मॉनेटरी लिमिट मेरे जुरिस्डिक्शन में आती है। ये रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड के बाद में वो केस वो चला सकता है, और उसका जो जजमेंट आएगा, उस कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो माना जाएगा, वो मतलब वो एक्सेप्टेबल होगा, और ये माना जाएगा जैसे उसका मतलब कि जो जजमेंट का जो पावर है वो उतना ही होगा जितना कि अगर वो कोर्ट के एक्चुअल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी होती और वो एक्चुअल जजमेंट देता, वो ये मान लिया जाएगा ये जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फुल एंड फाइनल है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका कि अगर वो क्लियरिटी नहीं है जुरिस्डिक्शन को लेकर के, ठीक है। अब जो चीज है यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि बोला गया है कि कोर्ट जो कि इस टाइप के केसेस को एक्सेप्ट करेगा तो वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा ना। मान लो कोर्ट अगर रिकॉर्ड नहीं करता है कोई स्टेटमेंट, ठीक है, और वो एक डिग्री दे देता है कोर्ट, अब डिग्री के अगेंस्ट में अगर कोई अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में अपील करता है और बोलता है ये जो कोर्ट ये डिग्री दिए इसको तो डिग्री देने का पावर ही नहीं है क्योंकि वो जगह तो इसके जुरिस्डिक्शन में गिरती ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है, तब जो रिविजनल और अपीलेट कोर्ट है वो उस अपील को खारिज कर देगा, उसको एक्सेप्ट, बस वो इसी एक कंडीशन में करेगा कि अगर ये पता चल जाए कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसका कि बोला गया कि कौन से कोर्ट में गिरेगी ये क्लियर नहीं है, वो अगर अपीलेट या रिविजनल कोर्ट को पता चले कि वो तो क्लियर था, ये जिस कोर्ट में होना चाहिए ये तो क्लियर था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, ये तो ऐसे ही फैला दिया गया कि ये कौन से कोर्ट में गिरेगा पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर चीज हो तब ही वो जो अपील किया है वो अपील को अपीलेट मानेगा और वो डिग्री के अगेंस्ट में जो फैसला देना है वो देगा, अदरवाइज अगर जेन्युइन रीजन है कि वाकई में कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी गिरेगी वो वाकई में पता नहीं, वो वाकई में क्लियर ही नहीं है, तब उस डिग्री को अपीलेट और रिविजनल कोर्ट भी अपहेल्ड करेगा और उस अपील को खारिज कर देगा, ठीक है। अब आइए सेक्शन 19, सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्संस और मूवेबल्स। इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, कोई अगर मूवेबल, कोई पहले तो हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, अब मूवेबल में साथ अगर कोई गलत होता है तब वो कौन से कोर्ट में केस किया जा सकता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस जगह में वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जिस जगह में वो डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो जगह जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में गिरती है उस कोर्ट में आप केस कर सकते हो, या और भी एक ऑप्शन है कि जहां पर वो डिफेंडेंट रहते हैं, जिस जगह में वो डिफेंडेंट रहते हैं उस जगह के जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में भी आप कर सकते, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज एप्लीकेबल है, जो चीज आपके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था उसके कंपेंसेशन में भी दोनों चीज थी, या तो जिस जगह में इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस जगह के कोर्ट में आप केस कर सकते हो, या फिर जिस जगह में वो डिफेंडेंट रहते हैं उस जगह में जो कोर्ट है वहां भी कर सकते हो, उधर था वही सेम चीज यहाँ पर है, कॉज ऑफ एक्शन एंड डिफेंडेंट एरिया, जिस जगह में कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस जगह में के जुरिस्डिक्शन में जो सिविल कोर्ट आता है उस सिविल कोर्ट में आप कर सकते हो, या फिर जिस जगह में डिफेंडेंट रहते हैं उस जगह में जो सिविल कोर्ट आता है उस कोर्ट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आइए सेक्शन 20 में, बाकी जितने भी तरीके के सूट्स हैं उसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ एक्शन और पार्टीज रेसिडेंस। कॉज ऑफ एक्शन जिस जगह में होता है उस जगह के कंट्रोल में जो भी सिविल कोर्ट आता है उस कोर्ट में आप बढ़िया से केस कर सकते हो,
या जिस जगह में डिफेंडेंट रहते हैं उस जगह के ज्यूरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में आप कर सकते हो। हर सिविल कोर्ट में इम्पोर्टेंट चीज होगा मॉनेटरी लिमिट, वो कोर्ट के मॉनेटरी लिमिट में लेकिन वो केस लेना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के संदर्भ में कंपनी कहाँ रहती है कहाँ से पता चलेगा। कंपनी को भी अगर हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर में देखे तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन माना जाता है कंपनीज। तो कंपनीज का प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या हो, तो कंपनीज का प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ पर कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिस है, जिस जगह में प्रिंसिपल ऑफिस है उस जगह के सुपरविजन में जो कोर्ट आता है वो कोर्ट वो केसेस दे सकता है, ठीक है। और उसके अगर सबोर्डिनेट ऑफिस है कोई अलग अलग जगह में तो वो सबोर्डिनेट ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है वो ये ले सकता है, केसेस ले सकता है। इसमें हम लोग जो ये जो बताया हूँ इसको एग्जांपल्स से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए ए है वो कलकत्ता में रहता है, बी है वो दिल्ली में रहता है, अच्छा बी का एक एजेंट है सी, ठीक है ना। एजेंट क्या करता है कि ए से सामान खरीदता है और बी ए को बोलता है कि ये सामान को आप इस ट्रेन में आप चढ़ा। अब किसी कारणवश ए को अगर बी के ऊपर में केस करना है तो कहाँ कर सकता है, वो कर सकता है कलकत्ता में जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, माल वाल कहाँ खरीदा गया, कलकत्ता में खरीदा गया, या फिर वो केस कर सकता है दिल्ली में जहाँ पर कि बी रहता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए तीन जन है ए बी सी, ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है, सी दिल्ली में रहता है, और तीनों जन क्या किए बनारस में, ठीक है। बनारस में क्या करते हैं कि बी और सी दोनों मिलकर के एक प्रोमिसरी नोट बनाते हैं और वो ए को दे देते हैं बनारस में। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हो रहा है, बनारस में है। अब किसी कारणवश ए को अगर केस करना है बी और सी के ऊपर में तो कहाँ कर सकता है केस, वो बनारस में कर सकता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वो शिमला में वो कलकत्ता में कर सकता है जहाँ पर बी रहता है, या वो दिल्ली में भी कर सकता है जहाँ पर सी रहता है, ठीक है। एनआरआई के केस में है कि एनआरआई के ऊपर अगर केस करना है तो ऐसे नहीं कर सकते, पहले कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। कोर्ट अगर परमिशन देगा तो ही एक एनआरआई पर्सन के ऊपर में केस किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अच्छा यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ रहता है कि सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिडिक्शन या सब्जेक्ट टू कलकत्ता हाईकोर्ट ज्यूरिडिक्शन, इस हिसाब से एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ दिल्ली में ही होगा या ये सिर्फ कोलकाता में ही होगा, नहीं ऐसा नहीं। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट कहाँ साइन होता है, एग्रीमेंट कहाँ एग्जीक्यूट होता है, वो अगर दिल्ली में ही एग्जीक्यूट होता है तब तो दिल्ली हाईकोर्ट के पास पूरा पावर है केस लेने का और वो केस लेगा। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट मान लीजिए कि वो दूसरी जगह होता है, कलकत्ता में होता है या मान लीजिए मैसूर में होता है एग्रीमेंट, ठीक है ना, एग्रीमेंट साइन और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट मैसूर में होता है, तब उस एग्रीमेंट को लेकर अगर कोई केस करना है तो वो केस को मैसूर में भी किया जा सकता है और दिल्ली में भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पर भी किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर भी किया जा सकता है। अच्छा अब ज्यूरिडिक्शंस को लेकर के ऑब्जेक्शंस, यह है सेक्शन 21। तो इसमें जो चीज बोली गई है वो ये है
चलिए अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो देखते हैं, वो है सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शंस। अब जुरिसडिक्शन को लेकर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो कोई अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में अगर कोई जुरिसडिक्शन, इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शनल पावर नहीं है केस लेने का, उसको लेकर के अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो अपीलेट या रिविजनल कोर्ट क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि पहले जिस कोर्ट में केस किया गया जिसके ऊपर की ऑब्जेक्शन बाद में हो रहा है, वहाँ पर भी ये जो पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट किया था कि नहीं किया, तो उसको पहले वाले कोर्ट में भी अपना ऑब्जेक्शन ठहराना है, बोलना है कि भैया इस आपके तो इस केस लेने का जुरिसडिक्शन पावर नहीं है। उसके बाद भी केस चलता है मान लीजिए और कोई फैसला आता है, उसका ऑब्जेक्शन करता है अपीलेट में, तो ही अपीलेट उसको मानेगा, अदरवाइज वो नहीं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया जुरिसडिक्शन को लेकर के, दूसरा है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन किया जाता है मॉनेटरी लिमिट को लेकर के अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में, कि भाई वो जो केस का जो डिसीजन आया या जो केस जो चलाया गया इस कोर्ट में, इस कोर्ट के पास तो मॉनेटरी लिमिट है ही नहीं, तो जो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट है वो भी ये चीज़ को क्या देखेगा कि ये जो बंदा आज ऑब्जेक्ट कर रहा है हमारे पास आकर के, ये उस समय भी ऑब्जेक्ट किया था क्या जिस समय ये केस चल रहा था उस कोर्ट, और किया था तो कितने जल्दी किया था वो ऑब्जेक्शन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो कॉम्पिटेंस है, कि ये जो कोर्ट है, ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, जो ये कोर्ट मैटर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये कोई भी दूसरे मैटर में, कोई भी दूसरे मैटर में कॉम्पिटेंस नहीं है, उसको लेकर के अगर कोई ऑब्जेक्शन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में किया जाता है, तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट एक ही चीज़ देखेगा कि भैया उस समय तुम ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं किया था, उस समय क्यों नहीं किया था, जिस समय ये केस उस कोर्ट में चल रहा था उस समय तुम ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं किया था, किया था तो कितने जल्दी किया, ये अपीलेट और रिविजनल कोर्ट देखेगा अपील को लेने से पहले, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्शन कब किया जा सकता है, कोई एक स्टेज तो बनाया हुआ नहीं है, केस के कौन से स्टेज में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो रिटन स्टेटमेंट जब दिया जाता है, जब WS कोर्ट में दिया जाता है, उस WS में मेंशन करना पड़ता है कि दिस कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, या तो मॉनेटरी मान लीजिए या प्लेस को मान लीजिए या जो भी दूसरा चीज़ को लेकर के पहले WS में मेंशन किया है कि WS ही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कि ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब है सेक्शन 21A, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। कोई भी डिग्री, कोई भी फैसला जो कि एक कोर्ट देता है, उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड कि जो कोर्ट यह फैसला दिया वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो केस नहीं आता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। दी गई डिग्री को लेकर। अच्छा फॉर्मर सूट का मतलब हो गया पहले किया गया सूट, जो सूट पहले किया जाता है उसको फॉर्मर सूट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 22 है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। एक केस है जो कि एक से ज्यादा कोर्ट में वो केस चल रहा है, ठीक है, अब उस केस को ट्रांसफर करना है, हर जगह तो केस चलेगा नहीं, किसी एक कोर्ट में आपको केस को ट्रांसफर करना है, तो हम देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं।
उसमें क्या होता है, कोई भी डिफेंडेंट, कोई भी डिफेंडेंट बाकी सब डिफेंडेंट को नोटिस दे देने के बाद में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी और केस का डिसीजन आ जाने से पहले क्या कर सकता है, कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई आप इस केस को इस पार्टिकुलर कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। एक केस एक से ज्यादा कोर्ट में चल रहा है, अब केस का डिसीजन आने से पहले कोई भी डिफेंडेंट कोर्ट में बाकी सब डिफेंडेंट्स को नोटिस दे देने के बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है ये बोलते हुए कि देखिए ये केस ये कोर्ट में भी चल रहा है, आप काइंडली इस केस को इस पार्टिकुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। कोर्ट ये सारे चीज़ों को देख लेने के बाद ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब आ जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन होगा ये ट्रांसफर करने का, ये कौन से कोर्ट में किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से कोर्ट में ये एप्लीकेशन किया जाएगा। तो इसमें यह है कि हमेशा एप्लीकेशन एक सुपीरियर कोर्ट को किया जाता है, एप्लीकेशन तो किया जाएगा वो सुपीरियर कोर्ट को किया जाएगा। अब मान लीजिए कि दो से ज्यादा कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट एक ही है, दो या दो से ज्यादा कोर्ट जहां पर भी केस चल रहा है उसका जो सुपीरियर कोर्ट है वो मान लीजिए एक ही है, जो अपीलेट कोर्ट है वो एक ही है, ठीक है। तो उस एक कोर्ट को एप्लीकेशन दे करके काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर कि एपीलेट कोर्ट अलग अलग है, मतलब एक केसेस एक से ज़्यादा कोर्ट के कोर्ट में चल रहा है और सारे कोर्ट अलग अलग कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, एक कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है, अलग अलग कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, इस केस में क्या हो, इस केस में लेकिन वो सेम हाई कोर्ट के अंडर में, अलग अलग एपीलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है पर उनका जो हाई कोर्ट है वो सेम, उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन कहाँ की जाएगी, एप्लीकेशन हाई कोर्ट में की जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर वो सबॉर्डिनेट है अलग अलग हाई कोर्ट, ठीक है ना, अलग अलग हाई कोर्ट में वो सबॉर्डिनेट है तो किसी भी हाई कोर्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट में वो केस चल रहा है उसको आप किसी भी हाईकोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है आपका सेक्शन 24 है आपका जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉवल, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉवल, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉवल। इसमें क्या है कि आज हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई आप केस को ट्रांसफर कर, और बाकी जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है केस में उन सबको नोटिस दे देने के बाद और उनको सुन लेने के बाद भी, या अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगे तो वो अपनी इच्छा से भी जो केस जो उनके यहाँ चल रहा है उस केस को दूसरे कोर्ट में जो कि उसके सबॉर्डिनेट है और जो कि कंपिटेंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई केस जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है उस केस को उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उस कोर्ट से विथड्रॉ कर सकते हैं केस को, ठीक है। और उसके बाद उस विथड्रॉ किए गए केस को या तो खुद चला सकते हैं या फिर किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई आप चलाओ ये केस को, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर वो रीट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जो अगर केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद वहाँ से केस को फिर से वो पहले वाले कोर्ट में
ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज है कि जिस कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाता है वो कोर्ट जो नोटिस ऑफ ट्रांसफर है उसको मद्देनजर रखते हुए या तो केस को वहां से शुरू कर सकता है जहां से पहले वाला कोर्ट में केस ऑलरेडी सुन लिया गया, और वहां उसके बाद से वो कोर्ट की सुनवाई शुरू कर सकता है, या फिर वो शुरुआत से सुनवाई शुरू कर सकता है। ये नोटिस ऑफ ट्रांसफर के ऊपर में डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्या है, जो एडिशनल और असिस्टेंट जजेस होते हैं कोर्ट के, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सब यूनिट ही माना जाता है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर जो भी होगा उसको भी हम लोग प्रोसीडिंग बोल करके ही मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कि कोई अगर स्मॉल कोजेस कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहां से केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस कोर्ट को भी उस केस के रिलेशन में स्मॉल कॉजेस कोर्ट बोलकर के ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली ये होता है कि मान लीजिए कोई कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है केस लेने का, उसके पास केस चला गया और केस चलाने भी लग गया, तो ये भी अगर कारण है होता है केस को वहां से हटा करके उस कोर्ट को दे देना जो कोर्ट कॉम्पिटेंट। इसमें एक चीज है कि एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए केस ट्रांसफर करने का, क्योंकि ये जजेस की कॉम्पिटेंसी को एक्चुअली चैलेंज करता है कि अगर आप किसी कोर्ट से केस को विड्रॉ कर लेते हैं और दूसरे कोर्ट में दे देते हैं, इसका मतलब तो यही होता है कि उसका जज कॉम्पिटेंट नहीं है। तो एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कर दिए, क्योंकि फिर ये कोई जज को ये बात खराब भी लग सकती है ना। तो एक जायज कारण होना चाहिए केस को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें एक एग्जांपल है कि कोई मैट्रिमोनियल केसेस है जिसको कि हस्बैंड चाहता है केस ट्रांसफर हो, तो इसमें वाइफ की सहूलियत देखना भी जरूरी है। 25 जो है ये सेम चीज है, सुप्रीम कोर्ट के पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पावर है, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई एप्लीकेशन करता है, ठीक है ना, बाकी सबको नोटिस दे देने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट बाकी सब लोगों को सुन लेती है, या सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे तो खुद के मन से भी, ठीक है ना, तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई जायज कारण है कि इस सेक्शन के अंदर में ऑर्डर दिया जा सकता है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो केस चल रहा है या जो अपील चल रही है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो एक हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो जाए या कोई दूसरे सिविल कोर्ट से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे हाई कोर्ट या दूसरे सिविल कोर्ट में दे दी जाए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर में आ जाता है। एप्लीकेशन जो भी किया जाएगा वो इस सेक्शन के अंदर मोशन के थ्रू से किया जाएगा। अब इसमें भी सेम चीज है कि जिस कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाता है वो नोटिस ऑफ ट्रांसफर को देखेगा और केस को या तो वहीं से शुरुआत करेगा जहां पर पहले वाला कोर्ट केस को चलाया उसके बाद से, या फिर शुरुआत से शुरू कर सकता है। अब इसमें है कि कोई बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि भाई आप इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए कोई भी एक कारण से, और दूसरा कोई आदमी इस एप्लीकेशन को पर ऑब्जेक्शन करता है, और ऑब्जेक्शन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि जो एप्लीकेशन दिया गया उसका बेस ही रॉन्ग था, झूठा था, तब वो एप्लीकेंट के ऊपर में फाइन लगा सकता है और ये बोल सकता है कि वो कंपनसेट करे जो ऑब्जेक्ट किया बंदा उसको, और कंपेंसेशन का अमाउंट 2000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, कानून सेम रहेगा, जिस कानून के ऊपर में केस पहले चल रहा था
वही कानून के ऊपर में केस ट्रांसफर हो जाने के बाद भी चलेगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों ये था, थोड़ा बड़ा था, सेक्शंस 24 तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, तो नीचे आप कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, तो मैं वापस से उस चीज़ को एक अलग से वीडियो बना करके समझा दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।